God. मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो देश भर में आज गंगा दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने बड़ी संख्या में आज के दिन मिलजुल कर भंडारे का आयोजन कराया। वहीं शाहजहांपुर में आज गंगा दशहरा पर ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज की ओर से रेलवे स्टेशन पर जल सेवा शिविर का आयोजन किया, जिसमें शरबत वितरण किया गया। वहीं यात्रियों को पानी की सेवा भी उपलब्ध कराई गई। कई यात्रियों को पानी के शिविर तक पहुंचने में असुविधा हो रही थी, वहीं बच्चों और स्टाफ ने ऐसे सभी यात्रियों को जल सेवा उपलब्ध कराई है और शरबत भी बांटा। बहुत सारी हर्ष की विषय है। वैसे तो एक गंगा दशहरा भी है और बड़ा मंगल भी है ज्येष्ठ डेट का, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग इस खुशी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे आकांक्षा हाई स्कूल को इंटर की मान्यता मिल गई है। और हर वर्ष की तरह हम लोग यहाँ पे स्टेशन पर जल सेवा शिविर लगाते हैं, जिससे कि जो भी यात्रियों को पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है प्रॉपर, क्योंकि पानी हम लोगों ने देखा है कि बहुत दूर दूर पर है पानी, तो जब तक आदमी पानी लेने के लिए उतरता है तब तक उसकी ट्रेन के लिए उसको दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों ने शरबत और ठंडा पानी दोनों की व्यवस्था करी है, और यही सोच करके कि यात्री जितने भी हों वो संतुष्ट हों, उन्हें अधिक से अधिक उनकी पानी की पूर्ति करा सकें हम। और बच्चों ने बहुत जल इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारा सारा स्कूल का स्टाफ सुबह 7 बजे से यहाँ पे लगा हुआ है, और जब तक हमारे पास हमारी क्षमता है हम तब तक जल सेवा यहाँ पे करते रहेंगे। आज हम लोगों ने गंगा दशहरा पर ज्येष्ठ माह पे हर साल हम लोग लगाते हैं, वैसे ही आज हम लोगों ने आकांक्षा स्कूल की तरफ से अपना जल शिविर सेवा का आयोजन किया है यहाँ पर। तो बहुत सारी ट्रेन्स निकल चुकी हैं, हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर जल सेवा का अपना दे रहे हैं, जल सेवा दे रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ विद्यालय के काफ़ी बच्चे भी हैं शामिल, हमारे सारा पूरा स्टाफ शामिल, हमारी प्रिंसिपल मैडम भी हैं साथ में। तो ये सेवा भी हम लोग अभी तक चालू रखेंगे, दोपहर बाद तक भी रहेगी, आगे का हमारे और टीचर्स भी हैं। और सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके जल का मतलब सेवन कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को ये काम करते हुए कि मतलब जब हम लोग पिलाते हैं तो बड़े मन का भी बहुत खुशी होती है कि भाई ये अच्छा कार्य है। आज बड़ा मंगल है और इस माह का मई का सबसे बड़ा मंगल माना जाता है। ये 4 मंगल हैं हमारे और सबसे बड़ा मंगल माना जाता है, और ये 4th मंगल है इसको ज्येष्ठ मास का, और 4th मंगल है और इसको लोग बूढ़ा मंगल भी कहते हैं। और इतनी मान्यता बालाजी भगवान और हनुमान जी में है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और मेरा ये पहला प्रयास मेरी वरदान डेंटल क्लिनिक की तरफ से था कि हम यहाँ पे शरबत वितरण करें, और ईश्वर की कृपा है कि ये प्रयास सफल होगा और सफल चल रहा है और शाम तक चलेगा। और सभी सेवा में लगे हैं, मेरा स्टाफ, मेरे साथी, मेरे परिवार के लोग, और सभी परिवार के लोग आए हुए हैं और सब लोग सेवा कर रहे हैं। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है, बना रहे। तो वहीं अलीगढ़ के रहने वाले भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशवदेव गौतम ने सांसद सतीश गौतम पर वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पंडित केशवदेव का कहना है कि सांसद सतीश गौतम 2019 में लोकसभा का चुनाव दूसरी बार लड़ रहे थे। उस समय सांसद द्वारा लोकसभा क्षेत्र जट्टारी में सभा में वादा किया गया था कि मैं 2019 में दूसरी बार चुनाव जीत गया तो 2 साल के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी देश के टुकड़े करने वाले मोहम्मद जिन्ना की तस्वीर को हटाकर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा और 20% ओबीसी समाज के लिए आरक्षण भी लागू करा दूंगा। लेकिन अभी तक सांसद सतीश गौतम ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। लोकसभा अलीगढ़ सतीश गौतम जी को पत्र भेजा है। उन्होंने 2019 में जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का दूसरी बार, तो जट्टारी में सार्वजनिक सभा में ये वादा किया था कि 2 साल के अंदर अगर अब की बार में चुनाव जीता तो जिन्ना की तस्वीर को एएमयू में से हटाकर पाकिस्तान भेजूंगा और 20% रिजर्वेशन ओबीसी को आरक्षण लागू कराऊंगा। लेकिन आज तक 5 बरस पूरे होने वाले हैं, चुनावी वर्ष आ गया है, आज तक अभी तक उन्होंने अपना
खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गोंडा क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि दो पक्षों के परिजनों में जमकर मारपीट तक हो गई। वहीं एक ओर से फायरिंग भी कर दी गई, जिसमें तीन लोगों को गोली लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल पक्ष की ओर से गोली चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। मैच के ऊपर वहां जाके उसने हमारा बच्चा मारा, कालू ने, कलुआ नीरू। किस बात पे? फिर क्या हुआ? फिर को हम दो चार थप्पड़ मार दिया उन्हें पकड़ के, हो गए वो, फिर चला गया बड़े बूढ़े मारे। कितने कितने लोगों के? तीन लोगों के। तीन लोग कहाँ के रहने वाले आप? कुंवरपुर। कुंवरपुर थाना कौन सा लगता? बोड़ा। ये आईपीएल मैच को लेकर हुआ था झगड़ा? के नहीं नहीं नहीं, वो सी खेलते हैं ना बच्चे, क्रिकेट खेल लेते। हाँ हाँ हाँ। क्या बजे घटना हो गई? ऐसे 4 बजे की थी। पुलिस पहुंची मौके पर, जो अरेस्ट हुई? नहीं, हम तो वहां से अभी नहीं अरेस्ट हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप सिंह फौजी। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ, क्या विवाद? ये झगड़ा हुआ बच्चों के ऊपर। किस बात? ये नहीं पता किसी को, मतलब बाहर खेले थे गांव से बाहर मैच खेले थे। हाँ, उसके बाद ये बात हुई थी जो कि कुंवरपुर गांव की थी, जहां दो परिवारों के बच्चे आपस में जो खेल रहे थे उनके मध्य झगड़ा हुआ, और उस झगड़े की प्रतिक्रिया स्वरूप एक परिवार के नीरज और अनिल द्वारा हमलावर होकर अपने ही समुदाय के पड़ोसी परिवार के तीन लोगों को जख्मी कर दिया गया। इनमें से दो के पांव में फायरआर्म इंजरी है और एक के कमर में फायरआर्म इंजरी है। चिकित्सकों से वार्ता की गई है और इनकी कंडीशन इस समय स्टेबल बताई गई है। वहीं इनके परिवार जनों से जब वार्ता की गई और इन अभियुक्तों की सुरागरसी पतारसी की गई है, तो अभियुक्त कलवा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पुलिस प्रशासन और सेना के जवानों में बढ़ती आत्महत्या को कम करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास का आयोजन किया गया। वहीं सीआईएसएफ सीनियर कमांडेंट पीपी सिंह ने एक नेक पहल की। सीनियर कमांडेंट ने अपने जवानों के हित के लिए 3 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास कैंपस में शुरुआत कराई है। स्नेक पहल में उनका सहयोग असिस्टेंट कमांडेंट ओम प्रकाश और बल सदस्यों ने किया है। वहीं ये क्लासेस प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी की बहनों और भाइयों के द्वारा चलाई गई है। सीएसएफ के प्रांगण में काशीपुर में 3 दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट और उससे संबंधित सेशन चला, जिसमें इसकी मेन ज़रूरत मैंने समझी, क्योंकि जवानों को आज के परिदृश्य में काम करने में मानसिक तनाव का अनुभूति होती है, और काफ़ी कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे सीआईएसएफ में अन्य फोर्सेस में हुए हैं जो बेसिकली किसी न किसी तनाव की वजह से, चाहे वो पारिवारिक हो या आर्थिक हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा हमारे जवानों को। तो उसकी वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस मानसिक तनाव को दूर करने के तरीके कारण पे एक सेशन चलाया जाए, जिससे कि इस जो तनाव की स्थिति है इसको ओवरकम कर सकें हमारे जवान। तो वहीं आज सर्व ब्राह्मण एकता मोर्चा के बैनर तले ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सनातन और ब्राह्मणों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक भाषा का जमकर विरोध किया और एसडीएम सदर मोहित कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने सनातन के सम्मान में ब्राह्मण मैदान में जमकर नारे लगाए और ज्ञापन में कहा कि समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सनातन धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यदि समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा विराट रूप से एक आंदोलन किया जाएगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां एक निजी अस्पताल में हंगामा होने की खबर अब सामने आई है। बता दें कि यहां जच्चा की मौत पर निजी अस्पताल में हंगामा हो गया और मृतक मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया। लापरवाही के आरोप में तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा किया। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और ये पूरा मामला बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के मेरठ सिटी हॉस्पिटल का है।
एक मरीज जो है सपना वाइफ ऑफ कपिल शर्मा, ये मरीज हमारे यहाँ शाम 6:30 बजे आया। 6:30 बजे आने के बाद में इसका 9:30 बजे सीजर हुआ। इसको हमारे आने से पहले 2 पेशेंट हॉस्पिटल से रेफ़र भी किया गया। रेफ़र करने के बाद में हमने सारी परिस्थिति इन लोगों को बता दी कि आपके पेशेंट को दिक्कत है, कार्डिक दिक्कत भी थी हार्ट की, और पेशेंट सडनली कार्डिक अरेस्ट में ही गया है। यहाँ पेशेंट ठीक रहा, सब कुछ हम 4 बजे से इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, ना तो इसके यहाँ पति था हॉस्पिटल में ना कोई था, और सुबह 4 बजे से हम इन लोगों को बोल रहे हैं किसी हायर सेंटर आप लोग दिखाना चाहते हैं। जी मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा जी, और जिसकी ये वाइफ ख़त्म हुई है, भाभी लगती हैं, ये हमारी भाई है हमारा, और हम जिस प्रकार से यहाँ लेकर के आए, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि 2 जगह से रेफ़र करा भाई, उन्होंने रेफ़र ये करा, उन्होंने दूर से कंडीशन भाप ली कि भाई साहब ये क्रिटिकल स्थिति है तो आप ले जाइए। हम यहाँ बिल्कुल बढ़िया चलती हुई लाएँ, बढ़िया करके सारी जाँचें इन्होंने कराई हैं, जाँचें हमारे पास हैं, और मतलब सारी चीज़ें इनके पास उपलब्ध हैं। इन्होंने खूब सोच विचार करके इस केस पर जो है हाथ रखा कि हम इसे संभाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इन्होंने हाँ करी है, इन्होंने 28,000 एक बार बताया मुझे, मन की जी ठीक है जी, बोला जी वो बेहोशी जैसे तैसे करनी पड़ेगी, 12,000 उसके अलग से लगेंगे स्पेशल। भैया मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, बुलंदशहर से ही। ये जो एक्सपायर होंगी ये मेरी भाभी हैं, ये रात ही इनको 10 बजे के आसपास हम डिलीवरी के लिए लेके आए थे, तो डॉक्टर साहब ने मतलब ऑपरेशन वगैरह किया है इनका, सारी जांच वांच करवाई है, जांच वांच सब कुछ कराने के बाद में इन्होंने क्या काम किया, जो बच्ची हुई है 2 बजे उसको इन्होंने ये कहा कि आप इसको ले जाइए किसी बच्चे के डॉक्टर के पास। हम बुलंद शर्मा जो हमारे मशहूर डॉक्टर हैं वीरेंद्र सिरोही, उनके पास हम लेके पहुंचे, उन्होंने कहा जी इस बच्चे को आप मेरठ ले जाइए। मेरठ लेके हम वहाँ पहुंचे, वहाँ हमने बच्चा एडमिट कराया, उसके बाद में 4 बजे हमें ये खबर दे रहे हैं कि आपके पेशेंट को कुछ हो गया, आप जल्दी से देखो। मतलब ना, मतलब जब तुम्हारे कोई बस की नहीं है करना, नहीं पेशेंट लेना, ना ही है तुम। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी इकराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकराम, बुलंदशहर के एक निजी अस्पताल में जच्चा की मौत की खबर है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने इस दौरान जो अस्पताल प्रशासन पर आरोप क्या कुछ लगाए हैं इकराम? मुस्कान आपको, बुलंदशहर के मेरठ सिटी हॉस्पिटल का यह मामला है, इसमें बुलंदशहर में जच्चा की मौत पर निजी अस्पताल में हंगामा। मृतक मरीज के तामेदार ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया उपचार पर लापरवाही का आरोप। लापरवाही के आरोप लगाते हुए तामेदारों ने क्या अस्पताल में हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह शांत कराया मामला। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है जी। मुस्कान, ठीक है इकराम, जिस तरीके से इस अस्पताल में जच्चा की मौत की खबर है, तो इस मामले पर जो अधिकारी है उनका क्या कुछ बयान अभी तक सामने आ रहा है? उनका जो हॉस्पिटल मालिक है, उनका कहना ये है कि हमने बताया कि अपने पेशेंट को यहाँ से कहीं और रेफर करा लो, यहाँ से कहीं और रेफर करा लो, उसके बावजूद भी लोगों के कान पर कोई जू नहीं चली है। अब आरोप लगा रहे हैं कि आपके डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद इकराम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदौली में किसान के खिलाफ चल रहे धरने का पटाक्षेप हुआ है। पैमाइश में किसान की भूमिधरी जमीन कम निकली और किसान अपनी भूमिधरी की जमीन पूरा कराने के लिए गुहार लगा रहे। सदर एसडीएम की निगरानी में डीडीओ नगर राजस्व की टीम ने पैमाइश की थी। बीते 4 महीने से धरनातर ग्रामीणों की मांग थी कि पैमाइश हुई है, वही धरनातर लोग सड़क और नाली की मांग कर रहे हैं, और बबूरी थाना के गुरारी गाँव का ये पूरा मामला है। संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब से भी मुलाकात की। डीएम साहब ने कहा कि पहले पानी कहाँ बहता था, उनको सारी स्थिति बताई गई, लेकिन धरना प्रदर्शन के दबाव में डीएम साहब कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहले पानी इधर ही बहता था, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं इधर ही बहता था, और जिसका मेन बहाव था वो उसमें घर बना के ये लोग जो है पानी का रुकाव रोक के हमारे खेत में निकाल दिए हैं। चलिए बताइए, अभी टीम आई थी जी, 1 हफ्ते हुआ, पूरा नापी वगैरह हुआ है, क्या निर्णय हुआ था उसमें? निर्णय यही हुआ था कि सब जो जमीन अगर ज्यादा निकलेगी तो जमीन रास्ते और नाली में दे दी जाएगी, कम निकलेगी तो ये लोग छोड़ करके मुझे देंगे।
फरीदाबाद में रहने वाले और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में तैनात सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड बेंच चैंपियनशिप आयोजन किया गया था, जिसमें राजवीर सिंह ने पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पुलिस डिपार्टमेंट और अपने परिवार सहित देश का नाम रोशन किया है। ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें शुरू से ही जिम करने का शौक था और इस गेम को भी वो सिर्फ शौकिया तौर पर खेला करते थे। मैं पावर लिफ्टिंग गेम खेलता हूँ, जिसका मुझे पैशन 2017 में हुआ, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, और जिसके लिए एक ड्रीम था कि मुझे एक वर्ल्ड पोडियम पे चढ़ना है, और मेरा वो ड्रीम पूरा हुआ है मेरी ट्रेनिंग से, मेरी हार्ड वर्किंग से और मेरे परिवार की मेरे प्रति हेल्प करने से। मुझे डाइट में प्रॉपर डाइट देना, सब कुछ बना के मुझे ऑफिस के लिए भी देना, ड्यूटी के लिए भी देना, मेरे परिवार के बिना ये नहीं हो पाता था। लेकिन मेरी ट्रेनिंग सेशन मैंने जो है प्रॉपर ली हैं, ड्यूटी आवर्स के बाद रात को भी की हैं मैंने, सारी चीज़ें करने के बाद मुझे आज ये पोडियम मिला है वर्ल्ड का, इससे बड़ी खुशी है नहीं मेरे पास। गाजियाबाद में महज 19 साल के युवाओं ने पैसा कमाने का एक शॉर्टकट तरीका अपनाया। बता दें कि मेहनत करने के बजाय चोरों ने मोटरसाइकिल की चोरी करना ज्यादा आसान समझा। इस गैंग के 5 लोगों के कब्जे से 20 मोटरसाइकिल तक बरामद की गई है। खास बात यह है कि इनका मुख्य टारगेट स्प्लेंडर बाइक रहती थी, क्योंकि उसका इंजन हर किसी बाइक में लग जाता है। इसके अलावा चोरी की गई बाइक ये दूर दराज देहात क्षेत्र में बेच देते थे और चंद रुपयों की लालच में बाइक तक बेच दिया करते थे। ये लोग मिले पैसों से अपने शौक पूरा किया करते थे। देखिए, ये थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी चेकिंग के दौरान इन्होंने की है, जो कि 2 बाइकों पर सवार थे, सभी नए उम्र के लड़के हैं। और इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया है तो इन दोनों बाइकों पर सवार इन 5 लोगों से 18 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुल 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं चोरी की, जिसमें से बहुत सारी घटनाओं से कनेक्ट भी हैं। कुछ क्रॉसिंग रिपब्लिक में चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, कोई नोएडा की है, एक आध मोटरसाइकिल पानीपत, कोतवाली, कवि नगर और कुछ दिल्ली की भी है। तो इस तरह से करके कुल 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 14 जो है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है ज़्यादातर है, और इसमें ये यहाँ से लेके कासगंज की तरफ भी बेच देते थे। खबर गाजियाबाद से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवतोष शखधर ने 50 सैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि लोनी 50 सैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय में अचानक सीएमओ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए और उपस्थित डॉक्टरों में भी हड़कंप मच गया। निरीक्षण में उन्होंने स्टाफ को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त बेड को भी देखा है। गाजियाबाद में आग लगने की सूचना मिली है। बता दें कि आग गत्ता बनाने की फैक्ट्री में लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचती है और 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास करती हुई नजर आती है, और कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों ही गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बता दें कि आग लगने से लाखों की कीमत का सामान जलकर स्वाहा हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। थाना लोनी क्षेत्र के सिंडिकेट कॉलोनी की पूरी घटना है। आज रात्रि 12:18 पे लोनी फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई थी। शैल एंटरप्राइजेज गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री है, जो कृष्णा विहार कॉलोनी में लोनी में पड़ती है, इसमें आग लग गई थी। तत्काल रूप से हमारी 2 गाड़ियां लोनी फायर स्टेशन से, 1 गाड़ी साहिबाबाद से घटनास्थल के लिए रवाना हुई, और चारों तरफ से आग को देखते हुए आग बुझाना शुरू किया। चूँकि आग गत्तों के रोल्स में थी, तो उसको तुरंत पानी का असर कम हो रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने JCB से अलग अलग करवा के इसको फायर फाइटिंग चालू किया, पूर्ण रूप से बुझा दिया है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है और संभवतः आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। कौशाम्बी में सनसनीखेज मामला सामने आए हैं। बता दें कि यहां निम्बू के बाग में एक युवक का फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप तक मच गया। बता दें कि यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल भी जुट गई है। घटना चरवा थाना क्षेत्र के कूड़ापुर गाँव की है। थाना चरवा क्षेत्र में एक नवयुवक की डेड बॉडी मिली है, वो नींबू के बाग में है, नींबू के पेड़ से लटकी हुई, जिस पर पुलिस मौके पे है, उच्च अधिकारी भी मौके पे गए हैं।
और इसकी पूरी तरह से जांच हो रही है, जो सत्यता होगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं लखनऊ में देर रात भांजे ने मामा पर हमला बोल दिया। हमले में पारिवारिक रंजिश के चलते लोहे की रॉड से हमला किया गया। बताते चले कि भांजे ने सिर पर लोहे की रॉड से मारते हुए लहूलुहान कर दिया। गंभीर चोट होने के बाद भी पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप है। ये पूरी घटना चौक के बाग मक्का इलाके की है, जहाँ पीड़ित ने कहा कि JCP ALO से मिलकर शिकायत करेंगे। तो खबर लखनऊ से है, जहां भांजे ने मामा पर हमला किया है। पारिवारिक रंजिश के चलते जो भांजा है उसने लोहे की रॉड से अपने मामा पर हमला कर दिया है। वही पुलिस पर इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओवैस हमारे साथ जुड़े हैं। ओवैस, लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां भांजे ने अपने मामा पर लोहे की रॉड से हमला किया। ये पूरा मामला कहां का है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला चौक थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर रिश्तों को शर्मसार किया गया है और भांजे ने मामा पर वार किया और उसके बाद उनके सर खुल गया पूरी तरीके से, उनके वो खून से लहूलुहान हो गए। उसके बाद इनको मेडिकल के लिए लेके गए और वहां पर इनका जो है ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन इसमें देखा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी जो पुलिस है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि इन्होंने जो धाराएं हैं उनको उन जिन धाराओं में मुकदमा लिखना चाहिए उन धाराओं में उन लोगों ने मुकदमा पुलिस वालों ने नहीं लिखा है, और इसमें 323 504 में मुकदमा करके और मामले को हल्का कर दिया है। फिलहाल अभी इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।